नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, कई दिनों से आप ये पूछ रहे थे कि आखिर अभिषेक बच्चन की फिल्म SSS 7 तथा घूमर रिलीज क्यों नहीं हो रही है। क्या कारण है कि इन फिल्मों की रिलीज डेट अटकी हुई है, जबकि फिल्में काफी समय से पूरा हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन फिल्मों के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट्स निकल करके सामने नहीं आ रहे, ना ही तो अभिषेक बच्चन इन फिल्मों के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। जहां तक SSS 7 की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग लगभग 1 साल पहले पूरी हो चुकी है, मतलब 2022 की जुलाई अगस्त में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिल्म को अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहे हैं? इसके पीछे 3 कारण मुख्य रूप से नजर आ रहे हैं। पहला कारण दोस्तों ये नजर आता है कि फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करें या OTT पर रिलीज करें, इस बारे में अभिषेक बच्चन कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्योंकि चूंकि ये उनकी एक महत्वाकांक्षी फिल्म है तो वे चाहते हैं कि थिएटर्स में रिलीज करे, लेकिन थिएटर्स में आजकल जिस तरह से फिल्में पिट रही है, बहुत कम फिल्में हैं जो थिएटर्स में बिजनेस कर पाती है। और इस फिल्म का कंटेंट भी एक ऐसा ही है जो शायद OTT को ज्यादा शूट करे, क्योंकि सिंगल कास्ट मूवी है और ऐसी फिल्में दर्शक थिएटर्स में देखने जाए या नहीं जाए, इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन लग रहा है। दूसरा दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है कि कई लोगों ने यह कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को खरीद नहीं रहे, थिएटर्स के लिए खरीदना नहीं चाहते। अब अभिषेक बच्चन फिल्म के प्रोड्यूसर भी है तो उनको कम से कम इतनी प्राइस तो मिले कि उनकी जो पैसा लगा वो पैसा कवर हो जाए, ऐसी खबरें भी कई जगह मैंने देखी है। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभिषेक बच्चन तो फिर भी बड़े स्टार्स में आते हैं, उनसे भी कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही है, ऐसे छोटे स्टार्स हैं जिनकी फिल्में लाइफ टाइम में भी 1 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पा रही है और वो फिल्में भी थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो डेफिनेटली SSS 7 के साथ ये बात नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, और क्या कारण हो सकता है? 2 ही कारण मुख्य रूप से नजर आ रहे हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अभिषेक बच्चन SSS 7 से पहले घूमर को रिलीज करना चाहते हैं, तो घूमर भी कंप्लीट हो चुकी है। पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आर बाल्की इस फिल्म को मार्च में रिलीज करने वाले है, लेकिन चूंकि 30 मार्च को बोला रिलीज हुई थी, उसमें अभिषेक बच्चन की एक झलक थी, एक स्पेशल अपीरियंस था, उस कारण से घूमर फिल्म को रोका गया एक बार। और अब ये फिल्म लगता था कि अप्रैल या मई में रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन अब लगता है कि इस फिल्म को जून में रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं फिल्म के उसके बारे में ही है कि कभी भी अब से कुछ दिनों में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो सकती है, कभी भी अनाउंस हो सकती है। लेकिन जून में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, आप जानते हैं आदि पुरुष आ रही है, इसके अलावा 200 सत्य प्रेम की कथा है और मैदान की भी अभी तक 23 जून को रिलीज होने की संभावना है, तो काफी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, तो उस समय कैसे रिलीज करेंगे घूमर को, मुझे डाउट लग रहा है। हो सकता है जुलाई में रिलीज करे, लेकिन कोई ऑफिशियली अपडेट अभी भी नहीं है इन फिल्मों के बारे में। लेकिन लगता यही है कि पहले घूमर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, उसके बाद में SSS 7 को रिलीज किया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि फिल्म डिब्बा बंद हो गई है। अब ये बात तो मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि अभिषेक बच्चन का एक बहुत बड़ा ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है अभिषेक बच्चन की। आप यकीन मानिए, जब आप उनकी एक्टिंग इस फिल्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई क्या बेमिसाल एक्टिंग की अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में। कुछ रेसेज जिन लोगों ने देखे उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें की इस फिल्म की। आर प्रतिभान जिन्होंने जो कि फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने बहुत तारीफें की अभिषेक बच्चन की। तो अभिषेक बच्चन कौन सी सुटेबल डेट का इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म को रिलीज करने का? क्योंकि अभिषेक बच्चन के प्रशंसक सबसे ज्यादा अगर किसी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो SSS 7 ही है, क्योंकि इसमें अभिषेक बच्चन का एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, KD की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको बता दूं, और जो डांसिंग डेड है उसकी शूटिंग अभी चल रही है। और इसके अलावा दोस्तों, और भी कई फिल्में अभिषेक बच्चन के पास लाइनअप है जिनके बारे में अपडेट्स आते रहेंगे, मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अभिषेक बच्चन घूमर तथा SSS 7 को जल्दी ही रिलीज करे और थिएटर्स में रिलीज करे। सबसे बड़ी बात है कि थिएटर्स में रिलीज करे, चाहे फिल्म का रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन उन्हें एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फिल्म को थिएटर्स में उतारना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि एक थिएटर्स में बड़े पर्दे पर अभिषेक बच्चन की वापसी हो सके। और फिल्में दोनों ही बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनी हैं, तो डेफिनेटली थिएटर्स में लेकर के आना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा, और जैसे ही इस फिल्मों की रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी सामने आती है मैं तुरंत आपको अपने चैनल पर दूंगा। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।